हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों, अभी मैं ड्यूटी निकल रहा हूँ और हमारे क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ आई हुई है। तो अभी चलिए हम आप लोगों को जो है उस बाढ़ का जायज़ा लेंगे और आप लोगों को वहाँ का सीन दिखाएंगे, क्योंकि रास्ते में पड़ेगा नवगढ़ जाते हुए। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं और वहीं पर जो है बातें करते हैं, आप लोगों को दिखाते हुए चलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों चलिए चल रहे हैं जो है रास्ते में। दोस्तों चलते हुए हम जा रहे हैं और जाने से पहले थोड़ा सा एक जगह रुके हुए हैं। यहाँ पे देखिए फार्मेसी स्कूल है हमारे यहाँ, मतलब नवगढ़ जाते हुए। तो मैं आप लोगों को फार्मेसी दिखा रहा हूँ। इसमें भी पानी एकदम भर गया है बारिश की, मतलब जो बाढ़ आई हुई है। और ये फार्मेसी जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, इसको आप जो है एक भोजपुरी पिक्चर आई थी बाप जी, उसमें भी आप देख सकते हैं जो है इस यहाँ पर शूटिंग हुआ था और ये दिखाया भी गया है कि खेसारी लाल यादव जी की दूसरी हीरोइन जो यहीं पे जो है इसका जो है यहीं पर पढ़ाई करती है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फार्मेसी का क्या हालत है। ये फार्मेसी कॉलेज और यहाँ में जो बाढ़ का पानी देखे भरा हुआ कैसा, ये देखिए श्री राम विलास इंस्टीट्यूट, आप बाप जी मूवी में इसको देख सकते हैं। देखिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हुए बाढ़ का क्या स्थिति है। तो दोस्तों देखिए हम बाढ़ वाले एरिया से जो है गुजर रहे हैं और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना भयानक बाढ़ है। यहाँ सब दोस्तों धान की फसलें थी जो है, ये देखिए पूरा जो है धान का फसल एकदम पूरी तरीके से डूब गया है और कई किलोमीटर तक जो है ये पूरा एक जलमग्न हो गया है। दूसरी तरफ भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, रोड के दूसरी तरफ भी यही हाल है और ये सब गाड़ियाँ बड़े मुश्किल से आ जा रही है। हमको लगता है कुछ देर बाद जो है पानी रोड के ऊपर भी आ जाएगा। ये देखिए इसका बहाव है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो है आगे चलते हुए। देखिए यहाँ की क्या स्थिति है, पानी इतना जो है विकराल तरीके से जो है इस छोटे से पुल से होते हुए पास कर रहा है दोस्तों। और ये मेरे सामने देखिए कितना जो है पानी है, पूरा इलाका, कई किलोमीटर का इलाका जो है पानी से एकदम डूब चुका है। आपको जो है पानी के सिवाय जो है कुछ नहीं दिखाई देगा, बस कुछ दो चार पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो इस तरह दोस्तों पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और ये पानी जो है दूसरी तरफ भी जा रहा है रोड के। और तो इस तरह से हमने दिखाया आप लोगों को जो है दूसरी तरफ चलते हैं जो है, यहाँ पानी जो निकल रहा है बाहर, मछली भी मारी जा रही है, देखना आपको ये यहाँ पे जो है पानी का बहाव कितना तेज़ी से है। देखिए कितना तेज़ी से पानी का बहाव पूरा फैल रहा है जो है चारों तरफ, और बहुत ही जो है यहाँ पे जो है बाढ़ का भयानक दृश्य है जो है आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। सारा जो है कई कई दूर दूर तक पूरा गांव डूब गया है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक बार रोड के इस पार से, ये देखिए पानी का क्या हाल है, पूरा समुद्र की तरह लग रहा जो है पूरा एरिया, पेड़ और सब डूब गए हैं दोस्तों। ये जो है इस तरह से आप लोगों को दिखाया यहाँ का जो है सीन, और फिर जो है आगे बढ़ते हुए चलते हैं और फिर दिखाते हैं कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है। लिखे देखिए बहुत सारे लोग जो है बैठ के जो है सब बाढ़ का नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, कोई वीडियो बना रहा, कोई फ़ोटो खींच रहा, जो है सब के सब जो है अपना जो है बना रहे हैं। ये आपका वासी नवगढ़ का रास्ता है जो कि जल्द ही पानी से डूबने वाला, क्योंकि दोनों तरफ पानी भर गया है। देखिए एक स्कूल है वो जो है बाढ़ के पानी में एकदम डूब गया है। ये देखिए गाड़ियाँ आ जा रही हैं और ये स्कूल का हाल है। और यहाँ सामने देखिए रोड पर पानी चढ़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए रोड पर पानी आने लगा है बाढ़ का, ये देखिए भयानक दृश्य। ये कोई घर है देखिए डूबा हुआ, बहुत दूर का गांव है, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। और चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं आगे भी क्या क्या स्थिति है। तो दोस्तों जो है हम दूसरी जगह आ गए हैं और यहाँ पे जो है बाढ़ का और भयानक दृश्य है। पीछे भी देख रहे हैं आपको जो है रोड के उस पार कितना पानी है, मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। देखिए इसके दूसरी तरफ का व्यू है जहाँ पे जो है पानी जा रहा था। ये देखिए दूर दूर तक पूरा गांव का गांव, खेत का खेत सब डूब गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो है देखिए पानी निकल रहा पुलिया के नीचे से बहुत ही तेज़ स्पीड से, और इस तरह से देखिए पानी जा रहा है एकदम आगे।
बहुत ही डेंजर तरीके से, बहुत ही तगड़ी बाढ़ आई है दोस्तों हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस बार, और काफ़ी नुकसान हुआ है जो है किसानों का। फसल तो पूरी तरह चौपट हो गई है पहले सूखे से, और जो बचे कुचे थे वो बाढ़ से चौपट हो गई है। हमारे पीछे का जो भी है नज़ारा पूरा देखिए, जलमग्न है चारों तरफ। हम अपने चारों तरफ आप लोगों को दिखाते थे, चारों तरफ जो है पूरा जलमग्न है देखिए, चारों तरफ। ये रोड जो है बीच में बचा हुआ है, इसे पानी नहीं चढ़ा है लेकिन इस पर भी चढ़ जाएगा रोड, क्योंकि काफ़ी ऊंचा बना था इसलिए बचा हुआ। तो चलिए फिर आगे देखते हुए हम चलते हैं। और पीछे एक रात्रि नदी पड़ी थी और वहाँ पर थोड़ा दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थे, तो और मुझको लेट भी हो रहा था। तो चलते हैं जो है रास्ते में आगे, एक और नदी है वो भी उफान पे है। दो नदियाँ पड़ेंगी, छोटा नाला है और नाला टाइप है और एक बड़ी नदी है, उसके भी दोनों उफान पे है। बाढ़ का कार्य हमने दिखाया आप लोगों को और कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अभी जो है एक और नदी पड़ेगी ककरही, उसकी स्थिति को देखते हैं कैसा फैला हुआ, क्या हाल है, क्या तांडव मचा है। देखिए यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है सब, और काफ़ी जो है बारिश हुई इसकी वजह से भी पानी भरा हुआ काफ़ी। ये जो है बाढ़ का पानी तो नहीं है, ये बारिश का पानी है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ये बारिश की पानी है, पानी का डिफरेंस पता चल जा रहा है। देखिए थोड़ा ये पानी जो है हल्का सा काला टाइप है, तो ये दोस्तों जो है बारिश का पानी है, या तो बाढ़ के पानी का प्रेशर की वजह से बारिश का पानी इकट्ठा हो गया हो, क्योंकि इतना पानी तो बारिश में इकट्ठा होना मुश्किल है। दूर दूर तक तो डूबा हुआ देखते हैं आप। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो है। तो दोस्तों हम जो सिद्धार्थ नगर पहुँच गए हैं अभी, और यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, काफ़ी जो है गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज है हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो अपना वर्किंग ख़त्म करके जो दोस्तों फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी यहाँ ड्यूटी का टाइम हो गया, तो अपना जो है वर्किंग फाइनल करके फिर जो है आप लोगों से मुलाकात करेंगे। और जब रिटर्निंग जाएंगे तो फिर फ्लूट्स को आप लोगों को दिखाते हुए थोड़ा सा जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का।
अभी ट्रेन चली जाएगी तो फिर क्रॉस करेंगे जो। तो गाइस देखिए, हम वापस आ रहे थे और वापस आने के बाद जो है जब मैं जा रहा था तो जो है यहाँ पे रुका हुआ था, आप लोगों को दिखाया था सीन। और अभी जब मैं रिटर्न आया हूँ 3-4 घंटे के बाद, तो देखिए यहाँ का जो पानी का बहाव है बहुत ही तेज़ हो गया है दोस्तों। ये देखिए इतना तेज़ जो है धारा चलने लगा है। पहले लोग जो है आराम से आ जाया करते थे, अभी देखिए कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को आने में। और हमको लग रहा है 1-2 घंटे बाद तो इससे यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए पानी की स्पीड और पानी बहुत ज़्यादा आ गया है एक तरीके से देखा जाए तो, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है यहाँ पे पानी का बहाव है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाढ़ अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है पानी हुआ था, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना तेज़ जो है पानी का बहाव है, और पानी बहुत ज़्यादा दोस्तों अभी हो गया। देखिए अभी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो गाइज़ इस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया, और अब जो है मैं घर की तरफ जा रहा हूं। और ये देखिए सीन कंटिन्यूसली दोस्तों पानी जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, और हमको लग रहा है कि 1-2 दिन बाद जो है काफ़ी तबाही मचाने वाला है। ये पानी तबाही तो ऐसे ही मचा रहा है और आगे भी मचाने वाला है। तो हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहिए, और इस ब्लॉग में जो है आगे का जो है क्या सिचुएशन होगा मैं आप लोगों को जो है दिखाते रहूँगा। तब तक दोस्तों सबको गुड बाय, जय हिंद। और यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल प्रो लाइफ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस का एंजॉय करिए और मज़े लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय। देखिए मेरी गाड़ी जो है खुद पानी में चल रही है। अभी तक जब मैं गया था तो रोड रुका था, अभी रोड पे पानी आ गया है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है, स्थिति क्या रहती है। तब तक दोस्तों बाय बाय।